लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। पुराणों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि गणेश जी के प्रत्येक अंग अलग अलग चीजों का प्रतीक होती है, जैसे कानों पर ऋचाएं, दाएं हाथ में वर, बाएं हाथ में अन्न, पेट में समृद्धि, नाभि में ब्रह्मांड, आँखों में लक्ष्य, पैरों में सातों लोक और मस्तक में ब्रह्मलोक का वास होता है। इन चीजों में अच्छे और बुरे दोनों शामिल होते हैं। उनके कान, हाथ, पेट और नाभि के दर्शन करना शुभ फल प्रदान करता है, परंतु अगर उनकी पीठ के दर्शन किए गए तो इससे अशुभ फल की प्राप्ति होती है। अगर आप भगवान गणेश जी की पीठ के दर्शन करते हैं तो इससे आपके घर में दरिद्रता आती है, इससे आपका सौभाग्य भी दुर्भाग्य में बदल जाता है, आपको अपनी किस्मत का साथ नहीं मिल पाता। भगवान गणेश जी के पीठ के दर्शन करने से धन संपत्ति से लेकर बहुत सी चीजों का नुकसान झेलना पड़ता है। जब कोई व्यक्ति घर से किसी कार्य के लिए जा रहा हो उस समय गणेश जी की पीठ देख ले तो उसके बनते हुए कार्य भी बिगड़ जाते हैं। इसकी वजह से व्यक्ति को समाज और कार्य क्षेत्र में अपमान का भी सामना करना पड़ता है। शास्त्रों और वास्तु शास्त्रों में गणपति जी की पीठ के दर्शन करना अशुभ माना गया है। अगर गणेश जी की पीठ के दर्शन किए जाए तो इससे कई दोष लगने की संभावना होती है, इससे व्यक्ति की तरक्की भी रुक सकती है। जब भी आप अपने घर में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करते हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनका मुंह हमेशा दक्षिण और पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके घर में सुख समृद्धि आती है। अगर आप इसके विपरीत दिशा में गणेश जी का मुख करते हैं तो इससे घर में दरिद्रता का वास होता है। यदि आप अपने घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी की प्रतिमा रखना चाहते हैं, तो एक तरफ प्रतिमा रखने के बाद दूसरी तरफ भी उनकी वही प्रतिमा रखिए। दोनों मूर्तियों की पीठ को मिलाकर रखिए। ऐसा करने से वास्तु दोष नहीं लगता है।